भाई इतिहास गवाह है कि जब भी क्लैशेस हुए हैं कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसी मूवीज पिट जाती है जिनका डिजर्विंग बनता है कि यार अच्छी खासी ये मूवी कमाई करे और लोगों तक वो पहुंचे, क्योंकि हर बार ये नहीं देखा जाता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसने कितना किया है। लाइक ओएमजी 2 को भाई जनता तक पहुंचना चाहिए था, जो बाद में ओटीटी के जरिए पहुंची और लोगों ने प्यार भी दिया। उसी के साथ एनिमल के साथ जब सैम बहादुर क्लैश करी गई थी तो सैम बहादुर का भी कोई हल्का फुल्का कॉन्टेंट नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जो एनिमल थी वो भी कोई बिल्कुल हल्के कंटेंट वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कमाई एनिमल करके ले गई है अगर वो सिंगल रिलीज होती तो और भी ज्यादा कमाई कर सकती थी। लेकिन कुछ क्लैश ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जनता बिल्कुल भी तैयार नहीं रहती। लाइक पिछले साल हमने सलार वर्सेस डंकी का क्लैश देखा था, जो भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये क्लैश हो, क्योंकि मुझे दोनों ही मूवी का एंजॉयमेंट बड़े ही फुर्सत से लेना था। लेकिन कोई नहीं, फिर भी जो कमाई वो दोनों मूवीज करके ले गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक मूवी बहुत अच्छी कमाई करके ले जाती है और दूसरी पिट जाती है, यानी ओवरकम कर जाती है। लेकिन सलार और डंकी ये दोनों ही जो डिजर्विंग थी अपना खासा कमाई करके ले गई है, लेकिन अगर ये लोग सिंगल रिलीज कर देते तो सलार हु नोज की 1000 करोड़ भी टच कर जाती और डंकी हु नोज की 700 से 800 करोड़ भी ठोक जाती। लेकिन इस टाइम जो क्लैश चल रहा है क्रैक वर्सेस आर्टिकल 370 का, जहां पर बिल्कुल वन अनफेयर गेम देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 370 जो डिजर्व करती है उसे मिल रहा है, लोगों को परख है कॉन्टेंट की और वो परख भी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि क्रैक सिर्फ स्पोर्ट्स एक्शन के हिसाब किताब से आप स्किल उछल कूद कुछ भी दिखा दो और उसके दम पे वो हाइप ले जाओ जो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं बनता है। आर्टिकल 370 के बारे में जानना भी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं था, तो वो चीज़ बढ़िया है। तो आज बात करेंगे भाई साहब कि आर्टिकल 370 और क्रैक इन दोनों मूवीज ने अभी तक कितनी कमाई क्या कर ली है, मतलब लोग जो प्रिफरेंस दे रहे हैं किसको दे रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे आर्टिकल 370 से। भाई बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक है, जब ये आर्टिकल 370 हटा था उस समय भी, लेकिन इस टाइम पर जो मूवी आई है इस समय भी ये फुल कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा है। और इसके साथ साथ भाई ध्रुव राठी, अगर आप जानते हैं उसको, तो क्या फाड़ वीडियो पर उसने बनाई है। खैर पॉलिटिकल डर्टी गेम से अपना कोई वास्ता है नहीं, अपना काम है सिर्फ सिनेमा और उसको रिव्यू करना, तो हम वही काम करेंगे जो अपना काम है। तो मूवी ने क्या कमाई करी है भाई अभी तक, डे वन जो फ्राइडे में ये रिलीज हुई थी, 6 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन नेट इंडिया से किया था। देन सैटरडे सेकेंड डे पे 9 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन, एंड कल संडे एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 10 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया है, जो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर पे इसकी कमाई देखने को मिल रही है। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 25 करोड़ 45 लाख, कल एंड ऑफ द डे तक पहले 3 दिन में ये मूवी अपने खाते में रख चुकी थी, और पहले 3 दिन में वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 3 दिन का कल एंड ऑफ द डे तक 31 करोड़ 80 लाख अपने खाते में रख चुकी थी, जो बिल्कुल भी एक फाइन फाइन नंबर है, क्योंकि बजट इसका 20 करोड़ के आसपास है। और ये चीज देख कर भी अच्छी लगी, क्योंकि भाई लोगों को परख है कंटेंट की, उसके वैल्यू की, और होनी भी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि क्रैक मूवी बिल्कुल भी बेकार है, लेकिन जिस टाइम पे ये रिलीज करी गई, लाइक अगर डिजर्विंग प्रिफरेंस की बात करें, चॉइस की बात करें, तो यार इसके ऊपर आर्टिकल 370 की चॉइस बेस्ट है। क्रैक मूवी भाई फर्स्ट डे फ्राइडे जो रिलीज हुई थी, तो डे वन पर कलेक्शन किया है नेट इंडिया से 4 करोड़ 11 लाख, सैटरडे यानी सेकंड डे पे 2 करोड़ 30 लाख, एंड संडे 2 करोड़ 40 लाख, यानी कल एंड ऑफ द डे तक। तो मूवी का कलेक्शन क्या रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन पहले 3 दिन का ये होता है कल एंड ऑफ द डे तक 12 करोड़ 95 लाख का। फिलहाल मूवी तो भैया पिटते नजर आ रही है, दूसरी तरफ आर्टिकल 370 हिट होते नजर आ रही है। तो अगर आपने दोनों मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है भाई, मजे लीजिए, दोनों मूवी देखिए, आप पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए, देन उसके बाद एक्शन स्पोर्ट्स एक्शन ये भी ले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर।